नमस्ते दोस्तों। इसके पहले वाले सब प्रेजेंटेशन में हमने न्यूमेटिक सर्किट के मोस्टली सब कंपोनेंट्स देख लिए हैं। एक बार उन कंपोनेंट के सिंबल हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम सर्किट डिजाइन कैसे होता है वो देखेंगे, क्योंकि सर्किट डिजाइन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कॉम्पोनेंट के सिम्बॉल। अगर आपको कॉम्पोनेंट के सिम्बॉल पहचानने नहीं आए तो आपको सर्किट डिजाइन नहीं आएगा। तो इस प्रेजेंटेशन में हम ये न्यूमेटिक सिस्टम के सिम्बॉल्स देख लेंगे। तो पहले तो देखो दोस्तों, ये कौन सा सिंबल है। अगर लास्ट प्रेजेंटेशन देखा होगा तो ये एक एक्चुएटर है, और ये कौन सा एक्चुएटर है, तो ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है। उसके बाद ये दूसरा सिंबल देखो दोस्तों, ये भी एक एक्चुएटर है, और ये कौन सा एक्चुएटर है, ये डबल एक्टिंग सिलेंडर है। और एक सिंबल है इसमें, ये देखो दोस्तों, ये कौन सा सिंबल है, तो ये भी रोटरी एक्चुएटर है, लेकिन ये है सेमी रोटरी एक्चुएटर। वापस देखो दोस्तों, ये एक सिंबल है, ये सिंबल किसका है, तो ये सप्लाई एलिमेंट में जो हमने कंप्रेसर देखा था उस कंप्रेसर का सिंबल है। ये भी एक सिंबल है, ये भी सप्लाई एलिमेंट में एक कंपोनेंट था, और ये सिंबल है न्यूमेटिक रिसीवर या रिजर्वायर का। ये देखो ये दोस्तों किसका सिंबल है, तो न्यूमेटिक सिस्टम में एनर्जी सप्लाई को इस सिंबल से भी डिनोट किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेशर सोर्स। तो याद रखो दोस्तों, कभी भी न्यूमेटिक सर्किट में आपको ये कंपोनेंट दिखेंगे, आपको रीड करना पड़ेगा न्यूमेटिक सर्किट, या फिर आपको न्यूमेटिक सर्किट बनाना पड़ेगा एप्लीकेशन के हिसाब से, तो आपको ये सिंबल को कनेक्ट करके ही आपको सर्किट बनाना है, या सिंबल को रीड करके ही आपको सर्किट पता चलेगा, तो ये कंपोनेंट बहुत। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट कौन सा है, ये भी सर्किट एलिमेंट में आपके एनर्जी सप्लाई में ही हमने यूज किया है, तो ये है प्रेशर रेगुलेटर। तो उसके बाद देखो, ये भी एनर्जी सप्लाई में यूनिट है, एनर्जी सप्लाई यूनिट में यूज किया हुआ कंपोनेंट है, ये कौन सा है, वाटर सेपरेटर। जब मतलब अगर मॉइस्चर जहाँ पे होता है तो वहाँ पे मॉइस्चर वाटर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये वाटर सेपरेटर से निकाला जाता है, तो एक वाटर सेपरेटर का एक सिंबल है। तो कुछ कुछ कंपोनेंट ऐसे भी रहेंगे जो हमने देखे नहीं रहेंगे, जनरल बेसिक एप्लीकेशन उसका इतना होता नहीं है, लेकिन वो भी सिंबल्स हम इसमें देख लेंगे कि हमें जस्ट एक बेसिक आइडिया आ जाए सर्किट में कैसे उसका काम होता है। तो ये दोस्तों फिल्टर का सिंबल है, ये देखो दोस्तों ये किसका सिंबल है, तो ये रूब्रिकेटर का सिंबल है। अगर आपने पहले सब प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखा होगा, सिंबल को ध्यान से देखा होगा, तो आपको ये सिंबल पहचानने में आसानी होती रहेगी। ये एक सिंबल है, ये टोटल सिंबल देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें एक फिल्टर एलिमेंट है विद वाटर सेपरेटर, प्रेशर रेगुलेटर, प्रेशर गेज और लुब्रिकेटर। तो एक कंप्लीट सिंबल को बोलते हैं एयर सर्विस यूनिट सिंबल। ओके, तो एयर सर्विस यूनिट को आप इस तरीके से बता सकते हो, ये कॉम्पैक्ट सिंप्लीफाइड एयर सर्विस यूनिट। तो मोस्ट सर्किट में कभी आपको फर्स्ट वाला एयर सर्विस यूनिट बताया गया है तो भी ठीक है, और कभी ये छोटा वाला नीचे जो एयर सर्विस यूनिट सिंप्लीफाइड करके बताया दिया है तो भी ठीक है। आप दोनों में से कौन सा भी एयर सर्विस यूनिट निकाल सकते हो, या सर्किट में है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर। उसके बाद ये देखो, ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है दोस्तों, हमने सीखा है इसको कैसे पहचानते हैं। तो पहले तो नंबर ऑफ पोर्ट्स काउंट करने हैं, और नंबर ऑफ उसके बाद नंबर ऑफ पोजीशन काउंट करने हैं। तो इसमें कितने पोर्ट्स हैं दोस्तों, तो तीन पोर्ट्स हैं। कितने बॉक्स बने हैं दोस्तों, दो बॉक्स बने हैं। तो ये कौन सा वॉल्व हुआ, 3x2 है डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व, और नॉर्मली क्लोज टाइप क्यों है, क्योंकि 1 से जो पावर सप्लाई आया है वो ब्लॉक्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्मली क्लोज टाइप। सेम इसमें भी देखो दोस्तों, इसमें भी 3x2 है डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व है, लेकिन 1 से जो पावर सप्लाई आ रहा है वो क्या होता है, डायरेक्टली 2 से बाहर निकल रहा है। तो दोस्तों एक एक चीज याद रखो, मैंने आपको बताया नहीं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व में जो राइट साइड वाला बॉक्स रहता है वो मोस्टली नॉर्मल पोजिशन रहता है। मतलब वॉल्व को अपने सप्लाई देने के बाद उसकी कंडीशन क्या है, वो कंडीशन हमेशा राइट साइड वाले बॉक्स में रहती है। जो राइट साइड वाला जो फर्स्ट बॉक्स रहता है वो उसकी नॉर्मल पोजीशन रहती है। तो ये याद रखो दोस्तों। तो ये कौन सा वॉल्व है,
तो ये भी 3x2 है, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल है, लेकिन ये नॉर्मली ओपन टाइप है, मतलब वॉल को ऑपरेट करने के बाद आपका आउटपुट कट हो जाएगा। नॉर्मली क्लोज टाइप में क्या होगा, वॉल को आउटपुट ऑपरेट करने के बाद आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा, आपको आउटपुट में सप्लाई मिलेगा। जस्ट वाइस वर्सा ये दोनों वॉल काम करते हैं, दोनों वॉल एक ही है। ये देखो दोस्तों कौन सा वॉल्व है, तो पहले हम पोर्ट्स काउंट करते हैं, कितने पोर्ट्स है, 4 पोर्ट्स है, और कितने पोजीशन है, 2 पोजीशन है, तो 4x2 है डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व है। उसके बाद देखो दोस्तों ये कौन से हैं, कितने पोजीशन है, कितने पोर्ट्स है, तो पहले तो पोर्ट्स काउंट करो, 5 पोर्ट्स, पोजीशन कितने हैं, 2 पोजीशन, ये कौन सा है, 5x2 है डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। ये देखो दोस्तों 5 पोर्ट्स, 3 पोजीशन, तो 5x3 वे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। ये देखेंगे दोस्तों अभी यहाँ पे तो हमने डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व देख लिया, अभी ये भी डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व भी है, कौन सा है, 3x2 है डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व है, लेकिन इस वॉल को क्या दिया है, आपके वॉल को इनपुट एलिमेंट दिया है, ऑपरेट करने के लिए एलिमेंट दिया है। तो ये 3x2 है डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व है, लेकिन ऑपरेट कैसे हो रहा है, तो पायलट से हो रहा है, और उसको रिटर्न के लिए क्या दिया है, स्प्रिंग दिया है। तो इस वॉल का कंप्लीट नाम क्या है, तो 3x2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व, पायलट ऑपरेटेड, स्प्रिंग रिटर्न। ठीक है, तो ये दूसरा वॉल देखो, पहले तो काउंट करो पोर्ट्स, 5 पोर्ट्स, एक ही बॉक्स में 5 पोर्ट्स है, कितने पोजीशन है, तो 2 पोजीशन है, तो 5x2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व, ऑपरेट कैसे हो रहा है, तो दोनों तरफ पायलट है, तो डबल पायलट ऑपरेटेड, 5x2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व, डबल पायलट ऑपरेटेड। उसके बाद और एक ये वॉल्व है देखो, तो ये भी 5x2 वे वॉल्व है, 5 पोर्ट है, 2 पोजीशन है, लेकिन ये जो 91 जहाँ पे लिखा है वो है सोलेनाइड ऑपरेटेड, तो 5x2 वे वॉल्व सोलेनाइड ऑपरेटेड, मैन्युअल ओवरराइड, और स्प्रिंग से रिटर्न होने वाला है, इसलिए स्प्रिंग रिटर्न। तो ये इनके नाम है, 3x2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व सिंगल पायलट ऑपरेटेड स्प्रिंग रिटर्न, फिर 5x2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व डबल पायलट ऑपरेटेड, और आखिर में कौन सा है, तो 5x2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व सिंगल सोलेनोइड ऑपरेटेड स्प्रिंग रिटर्न। ये भी दोस्तों पहचान लो कौन से वॉल्व है, जो फर्स्ट ऊपर दिया है वो तो 4x3 वे वॉल्व है, 4x3 वे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व है, लेकिन उसके ऑपरेशन के लिए एलिमेंट कौन सा दिया है, तो लीवर दिया है, लेकिन लीवर कैसा है, तो डेंटेड, डेंटेड लीवर है, डेंटेड लीवर जैसे बताया था कि ऑपरेट करने के बाद उसी पोजीशन में रहेगा जब तक आप उसकी पोजीशन खुद से चेंज नहीं करते। उसके बाद दूसरा वाला देखो कौन सा है, तो उसमें ऑपरेशन के लिए क्या दिया है, पायलट दिया है, और पायलट के ऊपर जो सिंबल बताया है जनरल के, जैसे जनरल इनपुट का है वो होता है मैनुअल ओवरराइड, तो ये 5x2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व है डबल पायलट ऑपरेटेड विथ मैनुअल ओवरराइड बटन। लास्ट वाला देखो दोस्तों, तो 3 पोर्ट 2 पोजीशन, 3x2 वे वॉल्व, और इनपुट एलिमेंट क्या दिया है, तो पुश बटन, और रिटर्निंग के लिए स्प्रिंग, तो 3x2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व पुश बटन ऑपरेटेड स्प्रिंग रिटर्न। देखो दोस्तों पहला वाला क्या है, 4x2 वे वॉल्व डायरेक्शन कंट्रोल, 4x2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व डेंटेड लीवर ऑपरेटेड। दूसरा वाला कौन सा है, तो 5x2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व डबल पायलट ऑपरेटेड, क्योंकि दोनों साइड पायलट दिए हुए हैं विथ मैनुअल ओवरराइड बटन, ऊपर जो दिया है वो मैनुअल ओवरराइड बटन। तो मैनुअल ओवरराइड बटन क्यों दिया जाता है, कि जैसे इसका ऑपरेशन तो पायलट से होने वाला है, लेकिन कभी कभी ऑपरेशन के बाद भी समझो थोड़ा बहुत मॉइस्चर उसके अंदर आ गया, तो अंदर वॉल का जो पिस्टन रहता है वो वहां पे क्या हो जाता है, पकड़ लेता है या जम जाता है, तो उसको फ्री करने के लिए मैनुअल ओवरराइड दिया है, मतलब मैनुअल ओवरराइड से अगर आप प्रेशर दोगे तो वो फ्री हो जाएगा और पायलट से इजीली ऑपरेट हो जाएगा, तो सर्विस एलिमेंट की तरह ये मैनुअल ओवरराइड बटन दिया रहता है। लास्ट वाला कौन सा है देखो, तो 3x2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व पुश बटन ऑपरेटेड स्प्रिंग रिटर्न। और दोस्तों देखो ये कौन सा सिंबल है, तो ये चेक वॉल्व है, और ये है चेक वॉल्व विथ स्प्रिंग ऑपरेटेड स्प्रिंग रिटर्न। ठीक है, और ये देखो ये सब एनआरबी है, तो यहाँ पे एक और एक एनआरबी है, तो ये भी हमने देखा है कि ये है और या फिर शटर वॉल, और वो यानी कि जब दोनों इनपुट में से कोई भी इनपुट थ्रू हो जाए आपको आउटपुट में सप्लाई मिलेगा, व्हेन बो एनी ऑफ द इनपुट इज थ्रू देन आउटपुट इज थ्रू, ये है और वॉल या फिर शटर वॉल।
उसके बाद और एक सिंबल देखो दोस्तों, जैसे वो और वर्ड का सिंबल था, यह है एंड वर्ड। व्हेन बोथ द इनपुट्स आर थ्रू देन ओनली आउटपुट इज थ्रू, जब दोनों इनपुट से सप्लाई आएगा तभी आउटपुट में सप्लाई मिलेगा, वरना सप्लाई मिलेगा नहीं। तो ये है एंड वॉल या फिर डिवर प्रेशर वॉल। उसके बाद ये देखो दोस्तों, ये कौन सा सिंबल है, तो ये है क्विक एग्जॉस्ट वॉल का सिंबल। उसके बाद ये देखो, इसमें दो से ज्यादा वॉल्व्स है तो इसको बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन वॉल्व। लेकिन ये कौन से टाइप का कॉम्बिनेशन वॉल्व है, तो एक 3x2 वे यूज किया है और दूसरा एक प्रेशर वो रेगुलेटर वो यूज किया है, तो मतलब ये है प्रेशर सीक्वेंस वॉल्व, ठीक है। और ये देखो, ये दूसरा, इसमें तीन कंपोनेंट है, फ्लो कंट्रोल वॉल्व, रिजर्वायर और 3x2 वे वॉल्व। तो ये कौन सा वॉल्व है दोस्तों, तो ये है टाइम डिले वॉल्व। प्रेशर सीक्वेंस वॉल्व प्रेशर डिपेंडेंट रहता है और टाइम डिले वॉल्व फ्लो डिपेंडेंट रहता है। तो मतलब प्रेशर सीक्वेंस में क्या काम होगा, जब सेट किया हुआ प्रेशर अचीव्ड हो जाएगा तब 3x2 वे वॉल्व अपना पोजीशन शिफ्ट करेगा। टाइम डिले वॉल्व क्या काम करेगा, जब से फ्लो कंट्रोल वॉल्व पे जितना आपने रिस्ट्रिक्शन सेट किया है, उस रिस्ट्रिक्शन से एयर फ्लो होने के बाद आपका जैसे रिजर्वायर फिल हो जाएगा, उसके बाद आपका 3x2 वे वॉल्व पोजीशन शिफ्ट करेगा। मतलब टाइम डिले वॉल्व फ्लो कंट्रोल वॉल्व में जितना रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा दोगे, रिजर्वायर फिल होने के लिए उतना ज़्यादा टाइम लगेगा और उतने देरी से आपका 3x2 वे वॉल्व पोजीशन शिफ्ट करेगा। अगर आपको जल्दी पोजीशन शिफ्ट करवाना है 3x2 वे वॉल्व की, रिस्ट्रिक्शन कम दो, यानी कि फ्लो कंट्रोल वॉल्व को लेस लेस टाइट करो। आगे देखते हैं दोस्तों, ये देखो एक सिंबल है, ये फ्लो कंट्रोल वॉल्व का सिंबल है, ये है 2-way फ्लो कंट्रोल वॉल्व, ठीक है। और ये कौन सा वॉल्व है दोस्तों, तो जैसे फ्लो कंट्रोल ही है लेकिन ये है 1-way फ्लो कंट्रोल वॉल्व। थैंक यू दोस्तों। मोस्टली मोस्ट ऑफ द सिंबल जो सर्किट में यूज होते हैं वो इस प्रेजेंटेशन में हमने देख लिए हैं। आगे जब हम सर्किट डिजाइनिंग स्टार्ट कर लेंगे तो आपका बेसिक आइडिया क्लियर हो जाएगा। आप भी एक बार ये सब सिंबल्स नोट डाउन कर लो, याद कर लो, तो मतलब सर्किट डिजाइनिंग के टाइम पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।